अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी शेख, ये जानना चाहते हैं फजर की दो सुन्नतों के बाद जो थोड़ी देर लेटते हैं वो सही है? हाँ बिल्कुल सही, हदीस में साबित है फजर की सुन्नत के बाद थोड़ी देर तक लेटना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर कोई सुन्नत पर अमल करता है तो इंशाल्लाह उसको इसका अजर मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर बतौर तंबीह, जी शेख, कहीं पर भी अगर आपने घर में पढ़ी है सुन्नत तो घर में, मस्जिद में पढ़ी है तो मस्जिद में लेट सकते हैं। जाहिर है कि वो लेटना ऐसा होना चाहिए कि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, इसका भी ख्याल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि लोगों को तकलीफ हो, डिस्टर्ब हो। तो कई लोग उस लेटने का ये मतलब समझते हैं कि उन्होंने सुन्नत पढ़ी दो रकात और वो 10 सेकंड के लिए बस थोड़ा सा अपना पहलू जमीन पर टिकाया और उठ गए। नहीं, ये नहीं है। उस लेटने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे और जाहिर है लंबी लंबी नमाजें आदमी पढ़ेगा तो उसे थोड़े से आराम की जरूरत होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुन्नत पढ़ के थोड़ा सा लेट जाया करते थे। तो आदमी इतनी देर तक लेटे कि उसके जो आजा हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए। ये नहीं कि आप लेटे जिस तरह आदमी सजदा करता है, सजदा किया और उठ गया, इसको ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि आप लेटिए, इतना वक्फा दीजिए कि थोड़ा सा आपके जिस्म को आराम मिल जाए। और ये सुन्नत है, ये साबित है और ये महजूर भी है। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं, इस पर अमल होना चाहिए। जी 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 नहीं, यहाँ पे अमल होता था, एक आलिम आए तो उन्होंने मना किया तो फिर रुक गए इस अमल नहीं से। नहीं अब मुझे नहीं मालूम कि वो आलिम ने जो रोका, हो सकता है कोई, जैसे अभी मैंने बताया कि गलत तरीके से उस पर लोग, जैसे मान लीजिए मस्जिद है, वहां भीड़ होती है, वहां दरमियान में जाके कोई लेट रहा है, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई लोगों को तकलीफ देना हराम है और सुन्नत पर अमल करना वाजिब नहीं है। तो जो है सुन्नत पर अमल करने के लिए आप हराम का इंतकाम मत कीजिए, तो वहां पे हम मना कर देंगे। तो आदमी जगह और मौका महल देख करके इस पर अमल करे। लेकिन शेख, इसका मस्जिद में सबूत मिलता है लेटने का, अल्लाह के नबी का फजर की सुन्नत? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सुन्नत घर में पढ़ा करते थे, और इस सुन्नत को भी जिंदा करने की जरूरत है कि सुन्नतों का एहतमाम घर में किया जाए। जैसे अजान हुई, अजान के बाद आप वजू बनाइए, घर में सुन्नत पढ़ लीजिए, उसके बाद मस्जिद जाइए, सुन्नत रातबा जो है उसको घर में पढ़ के जाइए, ये भी सुन्नत है। तो चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत घर में ही पढ़ते थे तो जाहिर है घर में ही उस पर अमल करेंगे। अब अगर आप मस्जिद में जाकर के पढ़ रहे हैं और मस्जिद में आपको इतनी जगह, ऐसा मौका महल मिल रहा है इस पर अमल करने का, तो वहां पर आप अमल कर लीजिए। जी, यही तो मसला है। मतलब वो आलम ने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे सुन्नतें पढ़ते थे तो वो घर पे आराम करते थे, मस्जिद में नहीं किया उन्होंने। तो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि घर पर सुन्नतों को पढ़ना भी सुन्नत है, इस सुन्नत को भी जिंदा कीजिए। जिस तरह सुन्नत के बाद लेटना है, जी अक्सर उलमा का मतलब अमल इसी पर है शेख, के घर ही पर साबित है, मस्जिद में साबित नहीं है। क्योंकि मेरी एक सीरीज दिनों रात के आमाल, उसमें भी मैंने इस चीज को जिक्र किया था कि मस्जिद में हो या घर पर हो आदमी लेट सकता है, लेकिन कई लोगों ने नकीर की, कहा कि नहीं, इस तरह का सबूत मिलता ही नहीं अल्लाह के नबी से। नहीं, सुनिए सुनिए, बता रहा हूँ। एक मैं कायदा आपको बताता हूँ फिक्र के अंदर, उसको बहुत सारे मसाइल में आप उससे फायदा उठा सकते हैं। कि इससे पहले भी शायद मैं जिक्र किया हूं कि मा वका इत्तिफाकन लैसा बिदलीलिन, जो चीज इत्तिफाकिया वाक़े हो वो दलील नहीं होती है। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत घर ही में पढ़ रहे हैं मुदावमत के साथ, तो फिर आप ये कैसे दिखा पाओगे कि आप मस्जिद में जाकर के लेटेंगे? जहां सुन्नत पढ़ रहे हैं वहां लेट रहे हैं, आप जहां सुन्नत पढ़ोगे आप वहां लेट सकते हो। तो अगर कोई ये मुतालबा करे कि भाई आप ये साबित करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मस्जिद में लेटे, तो भाई सुन्नत आप मस्जिद में नहीं घर में पढ़ के जाया करते थे, तो आप या तो फिर ये भी कह दो कि भाई घर में ही सुन्नत पढ़ के जाओ, मस्जिद में पढ़ो ही नहीं। तो असल सुन्नत के बाद लेटना है वो कहां पे, जहां पे आपने सुन्नत पढ़ा। जी, तो इसलिए फिकह के जो ये असरार और रमूज हैं इनको समझिए। जाहिरी जाहिरी मत बनिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
जिस जगह पर किया उसी जगह पर करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल करना है। आपने वो अमल जहां पे किया वहीं पर थे तो वहीं पर किया। जी जी जज़ाकल्लाहु खैर, वाज़ह है।